हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल वर्धमान करियर प्लेस। इस चैनल पर थोड़ा सारे का स्वागत है। सो जिमें कि थोनों पता है कि हर वीक असी MCQ सैशन जिहड़े है वह करंट अफेयरस दे नाल रिलेटेड वो असी लैके आने हैं। तो इस तरह ही अज भी असी लाइव सैशन दे विच MCQs फॉर्म्स दे विच करंट अफेयरस देखांगे कि इस वीक दे विच केड़े केड़े इंपॉर्टेंट इंसीडेंट्स इवेंट्स रहे हैं, केड़ियां चीज़ां न्यूज़ दे विच एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट दे तौर पर उन्होंने उभारिया गया है। सो लेट द अदर्स टू ज्वाइन। हाँ जी हाँ जी राजे, फ्राइडे करंट अफेयर की क्लास है। चलो आ गए सारे। हाँ जी राजी, गुड आफ्टरनून। चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। रीसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का सेक्रेटरी किसनों अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे विच देखो दो डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सो ये डिपार्टमेंट जिहड़े है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, और करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है राजे? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। सो इज द आंसर। हाँ जी आंसर बिल्कुल सही। सो संजय कुमार, सो संजय कुमार इज द राइट आंसर। रीसेंटली हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखो, टाइम्स मैगजीन के द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर दे नाल किसनू नवाजा गया है? टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसनू डिक्लेयर किया गया है? हाँ जी बिल्कुल सही। सो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, सो प्रेसिडेंट है राजे यह किसका? यूक्रेन का। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नू टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर किया गया है। हाँ जी राजे, वेरी ब्रेव पर्सन। चलो नेक्स्ट देखो, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज वर्ल्ड वाइड असी कदों सेलिब्रेट करते हैं? हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज कदों सेलिब्रेट करते हैं असी? हाँ जी आंसर बिल्कुल सही। सो हर साल 3 दिसंबर नूं असी सेलिब्रेट करते हाँ इंटरनेशनल डे ऑफ परसनस विद डिसेबिलिटीज, जिहड़े कि फिजिकली मैंटली हैंडीकैप जिहड़े हैगे आ उन्हां दे प्रति, उन्हां दे अवेयरनैस के प्रति जागरूक करन दे लई। और 2022 दा राजे थीम की है इंटरनेशनल डे ऑफ परसनस विद डिसेबिलिटीज दा? 2022 थीम, थीम की है?
Yes, exactly. So D is the right answer. Transformative solutions for inclusive development. The role of innovation in the fueling on accessible and equitable world. This is the 2022 theme of International Day of Persons with Disabilities. हाँ जी नवजोत आंचल बिल्कुल सही है रजे. अगला क्वेश्चन देखो. नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात दे विच विजय हजारे ट्रॉफी जड़ी है वो किस टीम ने महाराष्ट्र नू 5 विकेट्स दे नाल हरा के जीती है. किस टीम ने 5 विकेट्स दे नाल महाराष्ट्र नू हरा के ए विजय हजारे ट्रॉफी जीती हैगी है. हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है. सो सौराष्ट्र टीम ने महाराष्ट्र नू हरा दिता है और इसने जीती है रजे यह ट्रॉफी. अगला क्वेश्चन देखो. रीसेंटली एक बुक रिलीज की गई है और इस बुक का टाइटल है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री. इसका लेखक कौन है रजे? Who is the author of this book? हाँ जी बिल्कुल शेखर पाठक. सो शेखर पाठक ने यह बुक लिखी है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री जिस दे बाद विच चिपको मूवमेंट दे जन्मदाता सुंदर लाल बहुगुणा का भी जिक्र है गया. अगला क्वेश्चन देखो. रीसेंटली किसनू ICA यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नवा प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है. सो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग्स ऑफ इंडिया इसका नवा प्रेसिडेंट किसनू इलेक्ट किया गया है? Yes, exactly, बिल्कुल विजेंद्र शर्मा इन्हों नवा प्रेसिडेंट जिहड़ा है इलेक्ट किया गया है इस इंस्टीट्यूट का. Exactly. अगला क्वेश्चन देखो. अगली बुक न्यूज़ दे विच रही है जिसका टाइटल है सुपर इनफाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ जॉन डॉन. ए बुक का ऑथर कौन है रजे? हाँ जी नवजोत बिल्कुल सही आंसर है रजे विजेंद्र. Yes, exactly. Catherine Rundell ए जिहड़े ऑथर हैगे आ इन्हां दे द्वारा यह लिखी गई बुक है. ठीक है जिसका टाइटल है सुपर इनफाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ जॉन डॉन. Yes, written by Catherine. अगला क्वेश्चन देखो. रीसेंटली इंडिया दे विच 2022 दे विच गूगल दे उत्ते मोस्ट सर्च क्वेरी जड़ी है वो केड़ी रही है यानी कि बहुत ज्यादा सर्च किया गया है गूगल दे उत्ते वो केड़े है रजे? सो 2022 दे विच गूगल दे उत्ते सब तो ज्यादा सर्च किया गया केड़ी है रजे? आंचल ने दस्या IPL. Yes, exactly. IPL नू बहुत ज्यादा सर्च किया गया है इस क्वेरीज मतलब कि बतौर क्वेरीज नू इसनू बहुत ज्यादा सर्च किया गया गूगल दे विच. अगला क्वेश्चन देखो रजे. किस बैंक नू बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दे नाल सम्मानित किया गया है 2022 दा?
बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दे नाल किस बैंक नूं सम्मानित किया गया है? हाँ जी सिमरन, तुसी भी सही आंसर देता। यस एग्जैक्टली, कैनरा बैंक। सो कैनरा बैंक जरा है ए बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दे नाल सम्मानित किया गया है। सो इट्स अ कैनरा बैंक। नेक्स्ट देखो, रजे स्मार्ट स्वॉट लीडर है, एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का ब्रांड है रजे, वायरलेस टेक्नोलॉजिकल ब्रांड है जिसका नाम है नॉइस। ये स्मार्ट वॉचेस बनाती हैं, ठीक है, और इसने रिसेंटली किसनों अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? हाँ जी राजे, बिल्कुल सही। सो क्रिकेटर विराट कोहली, विराट कोहली नू इस द ब्रांड एम्बेसडर जिहड़ा है वो अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखो, रीसेंटली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एनसीबीसी का नवा चेयरपर्सन किसनू अपॉइंट किया गया है? चेयरपर्सन, हाँ जी बिल्कुल सही, सोहंस राज गंगाराम आहिर। सोहंस राज गंगाराम आहिर नू रजे रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज ए चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हाँ जी नैन्सी, नवजोत थोड़ा आंसर रजे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली 16th एडिशन फोर्ब्स दे द्वारा एशिया हीरोज ऑफ फिलंथ्रोफी जारी की गई है लिस्ट। सो इस सूची दा 16वां एडिशन जारी किया गया बाय द फोर्ब्स जिसका टाइटल है एशियाज हीरो ऑफ फिलंथ्रोफी, और इस दे विच केड़े इंडियन दा नाम शामिल है? Yes, exactly, बिल्कुल। सो गौतम अडानी का नाम इस दे नाल होर तीन दो जने शामिल हैगे इस लिस्ट दे विच, शिव नादरवी उना दे विचों एक हैगे। नेक्स्ट देखो, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल दे द्वारा बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसने जीत्या है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल दे द्वारा बेस्ट एक्टर डायरेक्टर अवार्ड किसने जीते है राजे? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। यस एग्जैक्टली, एसएस राजामौली। एसएस राजामौली नू बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दे नाल सम्मानित किया गया है। ये डायरेक्शन का काम बहुत अच्छा करते हैंगे। हाँ जी नवजोत, थोड़ा आंसर भी बिल्कुल सही है राजे। ममता का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, हर साल असी इंडियन नेवी डे कदों सेलिब्रेट करते हैं? इंडियन नेवी डे, हाँ जी राजे बिल्कुल सही, 4 दिसंबर नूं असी हर साल इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैंगे। नेक्स्ट देखो, किस म्यूचुअल फंड नूं रीनेम कर दिता गया है एज द नेम ऑफ बंधन म्यूचुअल फंड?
किस म्यूचुअल फंड्स नूं रजे रीनेम कर दिता गया विद द नेम ऑफ बंधन म्यूचुअल फंड। यस एग्जैक्टली आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। सो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड इसनू रीनेम कर दिता गया राजे बंधन म्यूचुअल फंड्स के नाम के नाल नाल। नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कदों सेलीब्रेट करते हैं असी हर साल। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स Yes, exactly. 4 दिसंबर नो। So, हर साल 4 दिसंबर नो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखो रीसेंटली इंडिया का 77th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गया राजे। इंडिया का 77th चेस ग्रैंड मास्टर यस आदित्य मित्तल। सो आदित्य मित्तल बन गए हैगे राजे इंडिया दे 77th चेस ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट देखो हर साल इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट असी कदों सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी हरदीप बिल्कुल सही आंसर है राजे 5 दिसंबर नूं असी हर साल इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इस सेलिब्रेट करते हैं असी। और इसका थीम की है राजे 2022 इसका थीम की है। हाँ जी बिल्कुल आंचल सही सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग इज द 2022 थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। चलो नेक्स्ट देखो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स दे विच इंडिया दा की रैंक है राजे जिहड़ी के ए रैंकिंग रिलीज कीती गई है बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन दे द्वारा यानी कि ICAO दे द्वारा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग रिलीज कीती गई है और इस रैंकिंग दे विच इंडिया दा की रैंक रहा है। यस एग्जैक्टली 48th रैंक है इंडिया दा 48th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हर साल असी वर्ल्ड सॉयल डे कदों सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड सॉयल डे
Yes, बिल्कुल. First rank ते Singapore है and Singapore followed by UAE. Top Singapore, ठीक है, and Singapore followed by UAE. बिल्कुल बिल्कुल रजी. सो एग्जैक्टली हर साल 5 दिसंबर नू असी वर्ल्ड सॉयल डे सेलिब्रेट करते हैं. वर्ल्ड सॉयल डे 2022 का थीम की है रजे? वर्ल्ड सॉयल डे 2022 का थीम की है? Yes, बिल्कुल. See, soils where food begins. This is the theme of World Soil Day 2022. Next, देखो, India दे लई One Day Internationals दे विच sixth highest run scorer कौन बन गया है रजे? केड़ा Indian player है जिहड़ा कि सिक्स्थ हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है इंडिया दे लई खेडण वाला इन इन वन डे इंटरनेशनल? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. सो रोहित शर्मा हैज बिकम द सिक्स्थ हाईएस्ट स्कोरर इन वन डे इंटरनेशनल्स. नेक्स्ट देखो, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का 65th फाउंडेशन डे असी कदों सेलिब्रेट किया है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का 65th फाउंडेशन डे असी कदों सेलिब्रेट किया है? Yes. हां जी राजे, आंसर. हर साल 5 दिसंबर नूं असी 65th फाउंडेशन डे जिहड़ा है उस सेलिब्रेट कीता है ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. यस, 5 दिसंबर. बिल्कुल. नेक्स्ट देखो, पेरू, पेरू साउथ अमेरिका दे विच स्टेट है रजे. पेरू नू उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिली है, उसका नाम की है रजे? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? First female president. चलो, पहली female president पेरू दी है रजे, पेड्रो कैस्टिलो. रिसेंटली इसनू इलेक्ट किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, भारत बॉन्ड ईटीएफ
भारत बॉन्ड ETF की है रजे, इंडिया दा पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है रजे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दा, और रिसेंटली इस दा फंड मैनेजर किसनु अपॉइंट किया गया है? चलो, इस दा रिसेंटली फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया है जी एडवेल्स एसेट मैनेजमेंट दे द्वारा। सो किसनू मतलब के फंड मैनेजर बनाया गया है? एडवेल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी नू इस दा जिहड़ा है फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया है। दिस इज अ कंपनी एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। इंडिया दा रजे पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, भारत बॉन्ड ETF। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट यानी कि मेट्रो, लॉन्गेस्ट डबल डेकर मेट्रो कंस्ट्रक्ट करन दा गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दे विच अपना नाम दर्ज करवा चुकी है केड़ी मेट्रो, यानी कि किस मेट्रो ने अपनी डबल डेकर फैसिलिटी बना के कंस्ट्रक्ट करके सब तो लंबी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, तो वो केड़ी मेट्रो है? यस एग्जैक्टली, नागपुर मेट्रो, नागपुर मेट्रो। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। देखो थोड़े कोले कॉलिंस डिक्शनरी भी आ गई है, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी भी आ गई है, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी दे वर्ड ऑफ द ईयर भी आ गए है, चौथा रह गया सी आहा इस दा रिसेंटली आ गया है वर्ड ऑफ द ईयर, यस गॉबलिन मोड। सो गॉबलिन मोड जेड़ा है, इट इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली इंडिया दी किस स्टेट ने लॉन्च किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग द लोकल स्पॉटिंग टैलेंट, यानी कि हेठले पद्धर दे उते लोकल लेवल ते जिहड़ा खेडण दा टैलेंट है उसनू प्रमोट करन दे लई ए प्रोग्राम लॉन्च किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट, किस स्टेट दे द्वारा? यस इट्स अ यूपी, उत्तर प्रदेश ने बहुत एक मतलब के अच्छे एफर्ट्स लगाया है गए। ठीक है, देखो राजे एक चीज करेक्ट करो। सो पेरू दी जिहड़ी पहली फीमेल प्रेसिडेंट सीगी जिसका नाम सी पेड्रो कैस्टिलो, इसके उत्ते रीसेंटली इंपीचमेंट लगा के इसनू पदवी तो हटा दिता गया है, ठीक है, और इसकी थान ते पेरू नू उसकी नवी फीमेल प्रेसिडेंट मिली है राजे डीना बलरेट।
ਸੋ ਡੀਨਾ ਬਲਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਡਰੋ ਕੈਸਟਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਡੀਨਾ ਬਲਰੇਟ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ चलो अगे क्वेश्चन ते चलते हैं या? रीसेंटली किस फुटबॉलर प्लेयर ने सऊदी अरेबियन क्लब जिसका नाम है अल नसर उसको ज्वाइन कर लिया है रजे यस एग्जैक्टली क्रिस्टियानो रोनाल्डो रजे था बहुत स्टार मतलब के फुटबॉलर स्टार बहुत अच्छा प्रदर्शन इसका है फीफा वर्ल्ड कप 2022 दे विच रीसेंटली इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम ते वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम एटीएम भी बनाता गोल्ड का सोने का किथे लॉन्च किया गया है रजे किस शहर दे विच गोल्ड एटीएम इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम ते वर्ल्ड का पहला आंचल इत्थे तुसी थोड़ा गलत हो राजे यस बिल्कुल बिल्कुल सही है हैदराबाद सो हैदराबाद इज द राइट आंसर आंचल यू आर एब्सोल्युटली राइट सो हैदराबाद इज द राइट आंसर सो हैदराबाद दे विच देखो कभी विजिट करन चले हो रजे और उत्थे देख के आए कि गोल्ड का एटीएम जिहड़ा है वह रियल टाइम गोल्ड एटीएम है वर्ल्ड का पहला नेक्स्ट देखो किस टेलीकॉम मेजर ने रजे कोलैबोरेशन कर ली है मैटा प्लेटफॉर्म्स दे नाल कि ओहो इंडिया दे डिजिटल इकोसिस्टम दी ग्रोथ नू सपोर्ट करेगा यस एयरटेल सो एयरटेल ने मैटा दे नाल रजे कोलैबोरेशन कर ली है फॉर टू सपोर्ट द इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम यस हां जी हरदीप नवजोत बिल्कुल सही नेक्स्ट देखो राइटर कृष्णप्पा सोशल एक्टिविस्ट ते बिजनेसमैन एस शादकृष्टी दे नाल नाल श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च दे किस डायरेक्टर ते कार्डियोलॉजिस्ट नू सम्मानित किया गया है नदूजा अवार्ड दे नाल बाय द कन्नड़ यूनिवर्सिटी देखो कन्नड़ यूनिवर्सिटी दे द्वारा ए अवार्ड प्रेजेंट किया गया है जिसका नाम है नदूजा अवार्ड ए तीन जिन्हें नू दिता गया है एक ता राइटर है कृष्णप्पा दूसरे सोशल एक्टिविस्ट ते बिजनेसमैन हैगे है शादक शरी ते तीसरे जिहड़े है ओ श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस ते रिसर्च दे डायरेक्टर ते कार्डियोलॉजिस्ट एक केड़े है जिन्हां नू इस अवार्ड दे नाल शामिल किया गया है और ऑप्शंस रहियां थोड़ियां आहा यस एग्जैक्टली सी एन मंजूनाथ सो सी एन मंजूनाथ के नाल नाल दो जिन्हां नू होर नू इस अवार्ड के नाल सम्मानित किया गया है सो सी एन मंजूनाथ जिहड़े हैगे है एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैगे है डायरैक्टर भी हैगे है किस रिसर्च इंस्टीट्यूट दे जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसिज एंड रिसर्च दे इन्हां दे नाल दो होर परसनैलिटीज कृष्णप्पा ते शादकृष्णी नू नदूजा अवार्ड के नाल सम्मानित किया गया है फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस नेक्स्ट देखो ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम एट मिडनाइट
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਥਰ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੀਡਮ ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਜੇ? Freedom at Midnight author इस book दे उन्हां दी death हो गई है रजे। उन्हां दा नाम है रजे Dominic Leper। Dominic Leper इन्होंने book लिखी है रजे Freedom at Midnight, और recently इन्हां दी death हो गई है। So इस तरीके दे नाल भी examiner question नू mold कर सकता है। Next question देखो, Adani Green Energy Limited ने रीसेंटली तीजा विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट किथे सेटअप किया है? सो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपना तीजा विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट किथे सेटअप किया है? हाँ जी बिल्कुल, जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान दे विच, गुजरात दे विच भी कर चुके हैं, हैदराबाद एक्सेट्रा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हर साल इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कदों सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कदों सेलिब्रेट किया जाता है? यस सरदीप, बिल्कुल सही। सो 7 दिसंबर नूं हर साल असी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जिहड़ा है वह सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंचल हरदीप, थोड़ा आंसर सही है। ते नाल दी नाल थीम की है रजे 2022 का? What is the theme 2022 of International Civil Aviation Day? Yes, exactly. C is the right answer. Advancing innovation for global aviation development. This is the 2022 theme of International Civil Aviation Day. Agge dekho, har saal India jehda hai, oh 6 December nu Mahaparinirvan Divas सेलिब्रेट करता है। उन्हां दी डैथ एनीवर्सरी डॉक्टर बी आर अंबेडकर दी। सो डॉक्टर बी आर अंबेडकर दी डैथ एनीवर्सरी जिहड़ी है असी हर साल 6 दिसंबर नूं मनाउने हैगे आ, किस दिवस ते? बतौर महापरिनिर्वाण दिवस। और रीसेंटली इस महीने दे विच 2022 दे विच असी किनवीं डैथ एनीवर्सरी डॉक्टर बी आर अंबेडकर दा मनाई हैगी। राजे तुसी किसे दा आंसर सही नहीं है, इट्स अ 67th। सो 67th डेथ एनिवर्सरी जड़ी है वो सेलिब्रेट कीती है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ जी राजे, फीफा वर्ल्ड कप जिहड़ा कतर दे विच हो रहा है 2022 दे विच, इस दी ट्रॉफी देन दे लई कौन जाएगा राजे? Who will unveil Yes, so FIFA World Cup 2022 दी कतर दे विच जड़ा उसकी ट्रॉफी जड़ी भी कंट्री जितेगी उस ट्रॉफी का उद्घाटन करन कौन जाऊगा रजे? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट देखो,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किनवा रैंक हासिल किया रजे इन द टॉप 100 डिफेंस कंपनीज दी लिस्ट दे विच। सो टॉप दिया 100 डिफेंस कंपनीज दी लिस्ट दे विच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दा की रैंक है रजे। यस हाँ जी ममता कितने रहेगी? चलो इट्स अ 42nd रैंक। सो 42nd रैंक है रजे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। नेक्स्ट देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने रजे ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया है जिस दे विच की होएगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा समुंदर दिया तरंगा तो सी वेव्स तो। और इस कन्वर्टर का नाम की है? इस कन्वर्टर का नाम की है? यस इसका नाम है सिंधुजा वन। सिंधुजा वन एक कन्वर्टर है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। इस दे विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी समुंदर दिया तरंगा तो। देखो बहुत अच्छी इनोवेशन है रजे अच्छी रिसर्च है ये। नेक्स्ट देखो अमेरिका दे द्वारा दिवाली स्टैंप पावर ऑफ द वन अवार्ड्स 2022 दे नाल जेड़ा डिप्लोमेट सम्मानित किए गए उन्हां दे विचों केड़ा नहीं है? केड़ा नहीं है? नॉट एथे नॉट इंक्लूडेड। केड़ा नहीं है रजे? यानी कि कहण दा भाव यह है कि तीन जेड़े है वह डिप्लोमेट्स है ते एक लॉ मेकर है। केड़ा इन्हां दे विचों डिप्लोमेट इंक्लूड नहीं है जिन्हों इस दे नाल सम्मानित किया गया है? कीता नहीं गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन दिवाली स्टैंप पावर ऑफ वन अवार्ड 2022 दिना बाय द यूएस और वो है रजे यूरिव सर्जेव। सो यूरी सर्जेव जेड़े है ए इंक्लूड नहीं है बाकी केशा मैगर कहा इनेंस ते जॉर्जी वेलिकोव पेनेटोव इना नु सम्मानित किया गया है। ए तीन वेटरन डिप्लोमेट्स है और एक लॉ मेकर होर है जिन्हां नु सम्मानित किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन दे द्वारा रिलीज की गई 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन्स दी सूची दे विच केड़ी एक्ट्रेस जड़ी है वो इंक्लूड है? केड़ी एक्ट्रेस इंक्लूड है? यस हाँ जी बिल्कुल रजे प्रियंका चोपड़ा जॉन्स जड़ी है ए इंक्लूड है इस सूची दे विच। और प्रियंका चोपड़ा दे नाल नाल ऑथर गीतांजलि श्री है इंजीनियर ते एस्ट्रोनॉट सिरिशा बांदला है ते सोशल वर्कर स्नेहा ज्वाले है।
चार इंडियन लेडीज हैगियां आ जिन्होंने बीबीसी के द्वारा रिलीज की गई 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स की सूची के विच रखा गया है। नेक्स्ट देखो, हर साल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जिहड़ा है असी कदों सैलीब्रेट करते हैं? हर साल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कदों सैलीब्रेट किया जाता है? यस, 7 दिसंबर नू हर साल असी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सैलीब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखो, हर साल 6 दिसंबर जिहड़ा है उसनू असी मैत्री दिवस के तौर पर सैलीब्रेट करते हैं क्योंकि इंडिया ते बांग्लादेश का यह फ्रेंडशिप डे मनिया जाता है मैत्री दिवस, और इस साल 2022 दे विच असी इस दिवस का 9वां एडिशन सैलीब्रेट किया है। Yes. Yes, बिल्कुल 51वां दिवस जिहड़ा है असी सैलीब्रेट किया है 51st एडिशन, यानी कि सानू 51 साल फ्रेंडशिप दे हो गए हैगे। नेक्स्ट देखो, रीसेंटली किसने गोल्ड मेडल जीतया है रजे एट पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल दे विच एस शटलर ची होंग अंग सिंगापुर दे नू हरा के। सो सिंगापुर दे एस शटलर नू हरा के पेरू दे विच हुए पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप दे विच गोल्ड मेडल किसने जीतया है? एग्जैक्टली रजे, सुकांत कदम ने। सुकांत कदम यह इंडियन पैरा बैडमिंटन स्टार हैगे आ, इन्होंने ये चैंपियनशिप जिहड़ी है वह जीती हैगी। नेक्स्ट देखो, रीसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर नू फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जिहड़ा है वह लॉन्च किया है दिल्ली बेंगलोर ते वाराणसी एयरपोर्ट्स ते, और इस सिस्टम का नाम की है, यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन फेस स्कैनर लगाए गए हैगे। यस, डीजी यात्रा यानी कि डिजिटली यात्रा तुसी करोगे, ठीक है, थोड़ा फेस स्कैन किया जाऊगा जिहड़ा कि आधार कार्ड दे नाल मैच करता होएगा, तो थोनू यात्रा जिहड़ी है वह डिजिटली बना दित्ती गई है, पर यह होया दिल्ली बेंगलोर ते वाराणसी एयरपोर्ट्स के विच है। नेक्स्ट देखो, जिहड़ी पिक्चर यह तुसी देख रहे हो यह है मिस अर्थ दी, जिहड़ी के बनी कौन है रजे? मीना सो चोई। मीना सो चोई जिहड़ी है यह मिस अर्थ 2022 इस ब्यूटी पेजेंट के नाल सन्मानित की गई है, नवाजी गई है रजे। केड़ी कंट्री नू बिलोंग करती है? केड़ी कंट्री दी है? एग्जैक्टली साउथ कोरिया। सो साउथ कोरिया दी यह जिहड़ी कंटेस्टेंट सीगी, इसने ये ब्यूटी पेजेंट जिहड़ा है मिस अर्थ 2022 वो जित्तिया है। नाल दी नाल अगला क्वेश्चन देखो, अज दा लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लूसोफोन्स फेस्टिवल जिहड़ा है 3-6 दिसंबर नू सैलीब्रेट किया गया रजे किस स्टेट दे विच? लूसोफोन फेस्टिवल, यस गोवा दे विच, गोवा दे विच इह सैलीब्रेट किया गया है फेस्टिवल 3-6 दिसंबर। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल सीगा रजे, हॉर्नबिल फेस्टिवल ए नागालैंड दे विच,
सेलिब्रेट किया गया है। सो ए सिगे इस वीक ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हां जी राजे, क्लियर होया? क्लियर है? चलो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। सो इसे तरह ही असी अगले हफ्ते इसे तरह करंट अफेयर्स के नाल मिलांगे। सो गुड बाय, ओके।